हाय दोस्तों, बहुत दिन से आप सोच रहे हैं ना कि जीन्स खरीदना है और खरीदने उल्लासनगर जाना है, परचेज करना है, होलसेल दुकान खरीदनी, देख के खरीदनी है, रेट करके खरीदना है, अच्छा मार्जिन में खरीदना है। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उल्लासनगर कैसे जाएं और उल्लासनगर में कौन से नंबर में, कौन से वार्ड में दुकानें हैं जीन्स की। तो दोस्तों नमस्कार, दीवान गारमेंट में स्वागत है आपका। मैं दिनेश आपको उल्लासनगर लेके चल रहा हूँ, कहाँ जीन्स मिलती है। दो ऐसी जगह घुमाऊँगा जहाँ आपका पूरा जीन्स परचेज हो जाएगा, अच्छी मार्जिन में हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी की जीन्स मिलेगी और आप खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी आपको ज़रूर लगेगी, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। दोस्तों आइए, हम ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे कल्याण। कल्याण आने के बाद दोस्तों, आप कहीं से भी आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं, यूपी ईस्ट से आ रहे हैं या एमपी से आ रहे हैं, आपका स्टेशन है, स्टॉप का स्टेशन है कल्याण। दोस्तों कल्याण के बाद आप एक स्टेशन लोकल कल्याण उतरने के बाद आप लोकल ट्रेन पकड़ेंगे जो आपको लेके आएगी उल्लासनगर। कल्याण और उल्लासनगर का जो डिस्टेंस है वो बीच में ही है, एक स्टेशन विट्ठलवाड़ी। मतलब देखा जाए तो कल्याण से और उल्लासनगर की जो दूरी है वो है मुश्किल से 5 से 10 मिनट। उल्लास पे आप उतरेंगे तो आपको स्टेशन नंबर 2 पे आना है। 2 नंबर स्टेशन से आप बाहर आएंगे, ये देखिए उल्लासनगर स्टेशन से आप बाहर आ गए। बाहर आने के बाद ये रिक्शा स्टैंड है, ये रिक्शे स्टैंड देखो, यहाँ से वहाँ तक जो रिक्शे लगी हुई हैं ये सब। दोस्तों 5 नंबर आएंगी, उल्लासनगर एक 5 कैंपों में बैठा हुआ है, बोलते हैं ये मिलिट्री का बेस था। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर में बैठा हुआ है। दोस्तों जींस का जो बिजनेस है, जिस जींस का जो व्यापार है वो 5 नंबर में फैला हुआ है दोस्तों। तो आपको ये यहीं से स्टेशन से आपको ये ऑटो मिल जाएंगे जो शेयरिंग ऑटो हैं। आपको दूध नाका और बस स्टॉप 2 जगह हैं, दोनों का रेंट सेम है, जो ऑटो का भाड़ा है वो दोनों को जगह का सेम है। तो आप सबसे पहले दूध नाका उतरेंगे, दूध नाका उतरने के बाद ये आप ये मार्केट देखेंगे। दोस्तों दूध नाके पर उतरने के बाद ये सदगुरु स्वामी सांझ प्रकाश आश्रम का गेट मिलेगा। उसके बाद ये अंदर घुसेंगे, पूरी लाइन से जींस की दुकानें हैं, आप दुकानों पे विजिट कर सकते हैं। जितनी भी हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी दुकानें हैं सब, ये गेट से दूध नाके पर उतरने के बाद एक गेट से जो शांति प्रकाश जी का ये गेट दिख रहा है, यहाँ से घुसने के बाद दोनों बाजू जो भी है सब होलसेल की जींस की दुकानें ही हैं, सब पूरा जींस का ही है, जहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी अच्छी रेट की जीन्स मिल जाएगी। ये पूरा मार्केट है जो जीन्स का ही मार्केट है, ओनली ऑल जीन्स, लेडीज किड्स जीन्स जो भी है सब आइटमें इन दुकानों में मिल जाएगी। दोस्तों जो दूसरा स्टाफ है ये बस स्टाफ है, बस स्टाफ देख लीजिए, ये बस स्टाफ है जो दूध नाके से 2 मिनट की पैदल दूरी पे है, ए शिवसेना ऑफिस और यहाँ से जेबी वाले का ये शोरूम। उसके बाद ये पूरा जीन्स का मार्केट यहाँ से भी शुरू होता है, दोनों तरफ की जो लाइनें हैं वो जीन्स का पूरा मार्केट है, बच्चों से लेकर बड़ों तक का पूरा जीन्स का मार्केट। बसंत बहार रोड है दोस्तों ये, जिसके दोनों तरफ जो है जीन्स का ही मार्केट है। ये दुकानें जो दिख रही है सब जीन्स की है, इनमें भी लेडीज किड्स ऑल ओवर जीन्स, हाफ पैंट्स लेके फुल जीन्स तक जो भी है दोस्तों, ये पूरा बसंत बहार का जो मार्केट है, बसंत बहार रोड है। ये बस स्टैंड से अंदर जाने पे है, पूरा जीन्स से ही भरा हुआ है। दोस्तों इसके अलावा भी अंदर गलियों में बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ अच्छे और सस्ते और अच्छी क्वालिटी का जीन्स मिलता है। दोस्तों आपने देख लिया है, आप परचेज करने आइए, नीचे कमेंट्स में नंबर भी है।
और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आशा है वीडियो जरूर पसंद आया होगा आपको। आप जींस कहाँ से परचेज कर सकते हैं ये आपको मैंने पूरा वीडियो में दिखाया है। फिर भी दोस्तों अगर समझ में नहीं आता है नीचे मेरा नंबर है, नंबर नोट कीजिए। कभी आप उल्लासनगर आ रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर मिलूँगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।